किस सुपरस्टार का रॉ में आज गुस्सा फूट गया, वुमेन्स के बीच होने वाले वॉर गेम्स में कौन सी वुमेन्स किस टीम को ज्वाइन करती हुई दिखाई दी, सेथ रॉलिंस ने मेन इवेंट में किसको फेस करा, क्या दिखा मेन इवेंट में और सर्वाइवर सीरीज के लिए कौन सा मैच सामने आया, सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। शो की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सेथ रॉलिंस करते हैं। तभी हमें ऑस्टिन थ्योरी का फेल्ड कैश इन की वीडियो प्ले होती दिखाई दी। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन काम नहीं करता। तभी फैंस दैट्स वॉज स्टूपिड्स के चैंट्स लगाते हैं। रॉलिंस कहते हैं कि फैंस बता सकते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को एक शो के बाद बाहर आना कितना बड़ा स्टूपिड वो है। द चैंप कहते हैं कि एज अ चैंप यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रॉ पर अब टॉप टाइटल बन चुका है। तभी बॉबी लैशले की एंट्री होती है। बॉबी लैशले कहते हैं मैं एक टाइटल शॉट चाहता हूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैंने लास्ट वीक दिया था बट तुमने मैच से पहले मेरे पे अटैक करके अपना मौका अब गंवा दिया है। अब अली एंट्री लेते हैं। हालांकि एक रेफरी अली को बार बार रोकने आ रहा था लेकिन वो रुक नहीं रहे थे, बट जैसे ही अली अंदर एंटर होते हैं बॉबी उनको बाहर कर देते हैं और कहते हैं यहां से चले जा इससे पहले कि मैं तुझे बहुत दर्द दूं। अली वापस से अंदर आते हैं और आके बॉबी लैशले पर अटैक करते हैं, बट बॉबी लैशले फिर से उन्हें रिंग के बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि अली लड़ना चाहता है तो लड़ ले, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके ठीक बाद हमें अली वर्सेस बॉबी लैशले के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच शुरू होते ही अली रिंग से बाहर निकल जाते हैं। बॉबी लैशले अली के पीछे भागते हैं। बॉबी लैशले उनको धर लेते हैं और रिंग पोस्ट में मार के अनाउंस टेबल की साइड फेंक देते हैं, बट अली 10 काउंट होने से पहले रिंग में अंदर आ जाते हैं। बॉबी लैशले को यकीन नहीं होता है। खैर मैच आगे बढ़ता है। बॉबी लैशले अली में मार मार के हालत ख़राब कर देते हैं। एंड में स्पीयर देते हैं। अली 360 डिग्री घूम जाते हैं और हर्ट लॉक लगा के बॉबी लैशले यहाँ पर मैच जीत लेते हैं। अब बैक स्टेज हमें ओसी दिखाई दिए। उनके साथ मिया एम भी मौजूद थी। ओसी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि मिया एम रेहा रिप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। वहीं एजे स्टाइल फिन बैलर को सर्वाइवर सीरीज में एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। इसके बाद हमें मिया एम वर्सेस तमीना के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच शुरू होता उससे पहले ही रिंग के पास रेहर रिप्लाई और डोमिनिक आ जाते हैं। शुरू में तमीना मिया को पनिश करती हैं, बट मिया उसके बाद फाइट बैक करते हुए तमीना में मार देती हैं। कहीं ना कहीं मिया एम ऐसी लग रही थी कि काफ़ी स्लो लड़ रही हैं, उनके मूव्स में कहीं अच्छा फिनिश नहीं था। हालांकि एंड में मैच मिया एम ने ही जीत लिया। अब मिया एम जीत के बाद बैक स्टेज जारी होती हैं। बेले आयो स्काई और डकोटा काय उन्हें इंटरप्ट करती हैं। वो तमीना पर मिया एम की जीत से काफ़ी इंप्रेस थी और वो चाहती हैं कि मिया एम्स वॉर गेम्स में डैमेज कंट्रोल को ज्वाइन कर लें। मिया ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाई दी लेकिन डैमेज कंट्रोल ने उसके बारे में उन्हें सोचने के लिए टाइम भी दिया। इसके बाद हमें रिडल वर्सेस गेबल के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ओटिस भी मौजूद होते हैं। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश में लग जाते हैं। हालांकि चैट गेबल रिडल को लपेट लेते हैं और शुरू में कुछ फटके उनमें लगाते हैं। रिडल अब फाइट बैक करते हुए टॉप रोप से मूव देने वाले होते हैं, बट ओटिस ने उनको इंटरप्ट करा और चैट गेबल ने टॉप रोप से उठा के रिडल को जर्मन सुप्लेक्स दे मारी। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच, दोनों ने काफ़ी इंप्रेस करा। मैच एंड होने से पहले रिडल काफ़ी तगड़े से हावी दिखाई दिए। मैच पूरी तरह से उनके कंट्रोल में लग रहा था लेकिन ओटिस ने एंड में फिर इंटरप्ट करा। गेबल ने रिडल को रोल करा और मैच जीत के निकल गए। अब हमें रिंग में द मिस दिखाई दिए, वो भी स्पेशल एडिशन ऑफ मिस टीवी के लिए। शो को होस्ट सेक्सटन कर रहे थे। उन्होंने लास्ट वीक के खुलासे के बारे में पूछा। मिस कहते हैं कि वो लास्ट वीक के सभी जो आरोप हैं उनके संबंध में एक बयान तैयार करके लाए हैं। मिस कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बावजूद फैंस हमेशा उन पर बने रहे। मिस का कहना है कि उन्होंने डेक्स्टर लोमिस को काम पर रखा और उन्हें नौकरी देने के लिए उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो कहते हैं कि डेक्स्टर लोमिस लालची होता जा रहा था इसलिए उसे काट देना जरूरी था। सेक्सटन मिस के फैक्ट्स चेक करते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ एक डेडिकेटेड फादर है, एक प्यार करने वाला हस्बैंड है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी है उसके बारे में वो काफी उदास है। तभी यहां जॉनी गार्गानो की एंट्री होती है। गार्गानो कहते हैं कि मिस कहीं उदास नहीं था जैसा उसने क्लेम करा, और उसने जो रिवील करा है कि मिस अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहा था। गार्गानो मिस से कहते हैं कि वो हमेशा आसान रास्ता अपनाता है और काफी झूठ बोलता है। वो कहते हैं कि मिस ने डेक्स्टर लोमिस को पे करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ये सच बोलने से ज्यादा आसान था। मिस कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत सॉरी करता हूं और मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं। तभी वो अनाउंस करते हैं कि मिस डेक्स्टर लोमिस से फाइट लड़ेगा और अगर डेक्स्टर लोमिस जीतता है तो उसे मिस का सारा पैसा मिल जाएगा, साथ ही एक WWE कॉन्ट्रैक्ट भी। डेक्स्टर रिंग में होते हैं, वो कैमरा मैन ही थे। द मिस जैसे ही पलटते हैं वो निकल कर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वो डेक्स्टर लोमिस थे।
इसके बाद हमें डोमिनिक वर्सेस शेल्टन बेंचमैन के बीच एक मैच देखा रिंग साइड, फिन बैलर को छोड़कर के पूरी जजमेंट डे यानी कि रिहा रिप्लाई और डेमियन प्रीस्ट मौजूद होते हैं। डोमिनिक खुद को काफ़ी होशियार समझ रहे थे, डेमियन और रिहा रिप्लाई की हेल्प से शुरू में शेल्टन में वो मार भी देते हैं, लेकिन शेल्टन ने भी एक डोमिनिक को दबा के मार लगाई, कुछ अच्छे मूव्स डोमिनिक पर उन्होंने लगाए। डोमिनिक कई बार मार खा खा के रिंग के बाहर भी भाग गए, हर बार की तरह डेमियन और रिहा रिप्लाई मैच में दखल दे रहे थे। एंड में डोमिनिक ने फ्रॉग स्प्लैश लगा के मैच जीत लिया। लास्ट वीक डिसअपॉइंटेड कैश इन के बाद ऑस्टिन थ्योरी बैक हिस्से दिखाई दिए। वो कहते हैं कि विंस मैकमैन के चूज इन वन होने के बाद कई लोग उन्हें फेल होते हुए देखना चाहते थे। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि वो मैं फेल नहीं हुआ हूं और अब मैं पहले से कहीं अधिक अलाइव महसूस कर रहा हूं। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि हर बार जब मैंने रोमन रेंस के अगेंस्ट कैश इन करने की कोशिश करी तो कोई ना कोई उन्हें रोकने के लिए हमेशा तैयार रहता था, यही वजह है कि मैं यूएस टाइटल के पीछे गया और यूएस टाइटल पर कैश इन करा। उनका कहना है कि अगर बॉबी लैशले ना होते और उसने मुझ पर अटैक नहीं करा होता तो मैं टू टाइम यूएस चैंपियन बन जाता। तभी ऑस्टिन थ्योरी को डॉल्फ जिगलर कन्फ्रंट करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तेरे अंदर ईगो बहुत है और जो कि बहुत बड़ा है और तू कोई भी सलाह नहीं सुनना चाहता है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि वो लोगों से बात करते करते अब थक गया है। जिगलर को फिर वो एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि तेरे पास अब कोई बहाना नहीं है। अब हमें ईयो स्काय वर्सेस डाना ब्रूक के बीच एक मैच देखने को मिला। ज़्यादा इस मैच में कुछ बताने को नहीं है, एंड में मैच स्काय ने जीता। मैच के बाद मिया आईएम देखने को मिली, वो आके कहती हैं कि मुझे पता है तुमने जो मुझे ऑफर दिया है उसके आंसर का तुम वेट कर रहे हो, बट वो बताती हैं कि मैं बियांका ब्लेयर को ज्वाइन करूंगी सर्वाइवर सीरीज में। इसके बाद हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच के शुरू से ही ऑस्टिन थ्योरी झल्लाए हुए दिखाई दे रहे थे, डॉल्फ जिगलर पे वो शुरू से काफ़ी हावी दिखाई दिए, एग्रेसिवली वो इस मैच में काफ़ी प्ले कर रहे थे। डॉल्फ जिगलर ने भी पलटवार करा बट ऑस्टिन थ्योरी उसे फेल ही करते चले जा रहे थे। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, डॉल्फ जिगलर ने अच्छे मूव्स पे ऑस्टिन थ्योरी का किकआउट करा, वहीं डॉल्फ जिगलर ने बैक टू बैक दो ए टाउन डाउन को किकआउट करा। थ्योरी इससे बुरी तरह से झल्ला गए और बुरी तरह से उन्होंने डॉल्फ जिगलर में मार देना शुरू करा। रिंग के बाहर स्टील स्टेप्स अनाउंस टेबल पर ऑस्टिन थ्योरी डॉल्फ जिगलर को मारते हुए नजर आए, जिसके बाद रेफरी ने उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया इस मैच से। अब हमें अकीरा टोजावा वर्सेस कॉर्बिन के बीच एक मैच देखने को मिला। अब रॉ में सबसे ज़्यादा बोरियत चीज़ जो दिखाई दे रही है ना वो कॉर्बिन का JBL के साथ दिखना है। पता नहीं है दोनों क्यों साथ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वहीं WWE ने कॉर्बिन को बुला तो लिया लेकिन प्लान्स उनको लेकर के क्या हैं वो क्लियर नहीं है, मतलब कि कॉर्बिन को लेकर के WWE के पास कोई प्लान नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के स्क्वैशेज मैचेस में दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉर्बिन अकीरा टोजावा के खिलाफ मैच में दिखे और मैच में जीत कॉर्बिन की हुई। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेके मैच दिखा। अब मेन इवेंट में बड़ा बवाल दिखा, सेथ रॉलिंस और बैलर के बीच मैच अच्छा दिखा, हालांकि शुरुआत काफ़ी स्लो रही। अब हर मैच की तरह इस मैच में भी जजमेंट डे के मेंबर्स का दखल देखने को मिला। तभी OC ने आके जजमेंट डे को खर्चा पानी दिया, रिंग साइड तगड़ा ब्रॉल चल रहा था, वहीं बैलर मैच जीतने के काफ़ी करीब भी आए बट AJ स्टाइल्स ने रेफरी से बच के बैलर को टॉप रोप से गिरा के सेथ रॉलिंस ने उन पर स्टॉम्प लगाया और मैच जीत लिया, टाइटल रिटेन कर लिया। मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने आके सेथ रॉलिंस पर जबरदस्त अटैक करा, उनकी हालत खराब करके रख दी, उन पर बैक टू बैक दो ATL लगाए, टाइटल उठा के भी ऑस्टिन थ्योरी ने सेथ रॉलिंस पर अटैक करा। यहीं आज शो का एंड हुआ। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल रॉ के एपिसोड की तो शो ठीक ठाक देखने को मिला, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों हो रही हैं और कुछ चीज़ों को देख करके वाकई मज़ा आया। ऑस्टिन थ्योरी का रॉ के एपिसोड में एक आज अलग ही रूप देखने को मिला, उन्होंने डॉल्फ जिगलर को शिकार बनाया, सेथ रॉलिंस की हालत ख़राब करके रख दी और कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दिया कि बेटा सेथ रॉलिंस नेक्स्ट अपोनेंट तुम्हारे लिए या चैलेंजर मैं ही होने वाला हूँ। वहीं अगर हम बात करें सेथ रॉलिंस की तो उन्होंने फिन बैलर के अगेंस्ट मेन इवेंट में टाइटल बचा लिया। मेन इवेंट में हमें OC और जजमेंट डे के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूं सर्वाइवर सीरीज की तो फिन बैलर वर्सेज AJ स्टाइल के बीच सिंगल मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए ऑफिशियल हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं रॉ ब्रांड से दिखने वाले वुमेन्स के बीच वॉर गेम्स की, जो कि टीम बियांका टीम बैले के बीच देखने को मिलने वाला है, टीम बियांका को मिया आईएम ने ज्वाइन करा और ये कंफर्म हो गया कि भाई रिहा रिप्लाई टीम बैले को ज्वाइन करेंगी, क्योंकि मिया आईएम और रिहा रिप्लाई के बीच एक पर्सनल या यूं कहूँ कि जो उनके फैक्शन है उनमें फ्यूड देखने को मिल ही रही है। वहीं अगर बात करें टीम बियांका की तो उसमें अभी भी एक वुमेन सुपरस्टार का ऐड होना बचा है, जो कि मुझे लग रहा है शायद डाना ब्रूक ही होंगी। वहीं अब आपको कैसा लगा रॉक का ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।